अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम अपने व्यूज़ की लर्निंग को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि लेआउट्स क्या चीज़ है। सो आपकी डेवलपमेंट को ईज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ASP.NET के अंदर लेआउट्स का कंसेप्ट डाला हुआ है। सो अगर आपने देखा हो, हमने पहले ये इंडेक्स का व्यू देखा था और फिर माई एक्शन का व्यू देखा था। इसके अंदर हमने कहीं पर HTML का टैग नहीं लिखा, कहीं पर हमने हेडर फूटर वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें नहीं की हुई, हेड का टैग बॉडी का टैग नहीं बनाया, बस जस्ट हमने सिंपल सी HTML लिखी हुई है और काम स्टार्ट कर दिया था। अगर अपने पेज को भी देखें आप, तो आपको आइडिया होगा कि पेज के ऊपर ये वेलकम का मैसेज तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है और लिंक दिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ कहाँ से आ रही जो ऊपर साइड डिफाइन थी। सो माइक्रोसॉफ्ट आपको ये प्रोवाइड करता है कि अगर आपका पेजेस के अंदर, मल्टीपल पेजेस के अंदर सेम लेआउट होगा, सेम हेडर चीज़ें हैं, सेम मेन्यूज़ वगैरह हैं और थोड़ा सा कंटेंट तब्दील हुआ करेगा पेज टू पेज, तो अपनी लेआउट फाइल क्रिएट कर लें और सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड कर दें और जो चीज़ तब्दील होनी है उसको आप खुद हैंडल कर लें। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अब हमने क्या किया कि ये जो हमारा इंडेक्स की फाइल है, जो व्यू था, ये बेसिकली इस अंडरस्कोर लेआउट फाइल को इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप इस फाइल में आते हैं तो आप देखेंगे कि इस फाइल के अंदर हमारे पास जो नॉर्मल HTML फाइल के अंदर होता है कि HTML का टैग है, हेड है, हेड के बाद बॉडी का टैग है और वो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल लाइन लिखी हुई है एट रेंडर बॉडी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब आपका आप इस इंडेक्स को कॉल करते हैं तो देखता है कि इस इंडेक्स का लेआउट कौन सा है। आपने अपने पेज के अंदर कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ, अगर आपने अपने पेज के अंदर लेआउट मेंशन किया हो तो वो उसको इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर मेंशन ना किया हो तो वो इस व्यू स्टार्ट की फाइल में जाता है और देखता है कि डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या सेट हुआ हुआ है। तो डिफ़ॉल्ट लेआउट यहाँ पे अंडरस्कोर लेआउट का सेट हुआ हुआ है, तो वो इस कंटेंट को पकड़ेगा और उस कंटेंट को जाके जो इस व्यू का लेआउट है अंडरस्कोर लेआउट, वहाँ पे जाके रेंडर बॉडी की जगह पे जाके उस चीज़ को प्लेस कर देगा और आपके पास HTML बना के क्लाइंट पे सेंड कर देता है। तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, कंपोजिशन का रिलेशनशिप है, लेकिन शायद हम इस वीडियो के अंदर बोलते हुए पेरेंट चाइल्ड बोल जाएँ, लेकिन पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम अपना एक क्रिएट करते हैं व्यू और लेआउट क्रिएट करते हैं और फिर इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं शीट के ऊपर ऐड क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड में जाता हूँ और यहाँ पे व्यू क्लिक करता हूँ और मैं एक नया लेआउट क्रिएट करने लगा हूँ, माई लेआउट, और ठीक है इसको सिंपल माई लेआउट कह देता हूँ। उसके बाद अगर ये लेआउट किसी और लेआउट को इस्तेमाल कर रहा है, आप हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं, तो आप उस लेआउट को इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज इसको अनचेक रहने दें। ऐड का बटन दबाएँ तो आपके पास एक सिंपल सी HTML की बेसिक सी फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर आप अपना लेआउट क्रिएट कर लेंगे। अब इस लेआउट के अंदर देखें कि उसने डिफ़ॉल्ट में बताने के लिए कि ये लेआउट किसी और लेआउट को इस्तेमाल नहीं करा, लेआउट नल कर दिया। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो वो इस फाइल के लिए भी जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है व्यू स्टार्ट में डिफाइन, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो आपने अगर किसी और लेआउट को इस्तेमाल ना करना हो तो आप लेआउट को नल सेट करते हैं। अच्छा, अब ये अब बेसिक से HTML है, आप अपना काम करेंगे, अपने हेड के टैग में चीज़ें नॉर्मली आप ऐड करते हैं, जो कि तमाम पेजेस में जिन्होंने इस लेआउट को इस्तेमाल करना रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जो चीज़ें डायनामिक होंगी, यानी जिन चीज़ों का आपको शुरू इस पेज में डिफाइन करना मुश्किल है और वो चाइल्ड व्यू ने बतानी है, उनकी जगह पर आप प्लेस होल्डर लगा लेंगे। सो मिसाल के तौर पर सबसे पहला प्लेस होल्डर हमारे पास है रेंडर बॉडी का, जो कि आप एक ही लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं रेंडर बॉडी का प्लेस होल्डर लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं इस लेआउट को चाहता हूँ कि जो मेरा ये वाला हम जिस पे काम कर रहे थे माय एक्शन ये वाला, इसके अंदर मैं इस लेआउट को इस्तेमाल करूँ, मैं डिफ़ॉल्ट लेआउट इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके सिंपली अपने टॉप पेज के टॉप में लेआउट की प्रॉपर्टी को सेट कर देता हूँ और उसमें अपने उस लेआउट का फुल पाथ दे देता हूँ। टिलर साइन रूट पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद व्यूज़ का फोल्डर है, शेड का फोल्डर है, उसके अंदर अंडरस्कोर माई लेआउट की फाइल है CSHTML। अब जब आप इस व्यू को कॉल करेंगे तो इस व्यू के लिए वो इस लेआउट को इस्तेमाल करेगा और जो भी आपने यहाँ पे ओपन एंडेड HTML या जो भी कुछ किया होगा उस चीज़ को वो इसके अंदर जाके इस बॉडी वाली लाइन पे रिप्लेस कर देगा। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ मेन लेआउट, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा कंटेंट रेंडर बॉडी वाला कॉन्टेंट इस लाइन के बाद प्रिंट हो रहा है। इसको एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद ब्राउज़र में जाते हैं हम और ब्राउज़र में जाके यहाँ पर स्लैश माई होम माई एक्शन को कॉल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें माई लेआउट वाली चीज़ आ गई है जो कि आपने अपने HTML में डाली थी। ये देखें, आपकी HTML लेआउट से सारा कुछ आ रहा है जो लेआउट में था, उसके बाद ये माई लेआउट भी था और जो आपका चाइल्ड का कंटेंट था जो माई एक्शन प्रोवाइड कर रहा था वो बेसिकली रेंडर बॉडी की जगह पर जाके प्लेस हो गया। इसके अलावा आपके पास दो और चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जी मैं यहाँ पर कुछ HTML मेरे कुछ कंटेंट हो सकता है कि मैं अपना इस हेड के अंदर डालना चाहूँ, या मैं कुछ कंटेंट चाहता हूँ कि इस जगह पे प्लेस करना चाहूँगा, चाइल्ड को अलाउ करना चाहता हूँ प्लेस कर सके, या नॉर्मली इसके बाद आपने एक डिव बनाई हुई है उस पर आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा वो कंटेंट इस डिव में प्लेस हो जाए, यानी मैं चाइल्ड को अलाउ करना चाहता हूँ।
तो आप अपने सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास फंक्शन अवेलेबल है रेंडर सेक्शन का। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ, रेंडर सेक्शन। इसमें आप सेक्शन को कोई नाम देते हैं, लेट्स सपोज फुटर कह देता हूँ। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने इस सेक्शन को मैंडेटरी करवाना है कि नहीं करवाना। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ, इसका मतलब यह है कि अब ये जो हमारा व्यू होगा जो कि इस लेआउट को इस्तेमाल करना चाहेगा उस पर फ़र्ज़ हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा कि वो इस सेक्शन की वैल्यू प्रोवाइड करे, चाहे एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड करे। सो फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ एक लाइन लिखता हूँ और कहता हूँ कि फुटर का सेक्शन है मेरे लेआउट के अंदर और मैंने ट्रू कर दिया। अब इस चेंज की वजह से मेरे पेज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कि जब ये पेज एग्जीक्यूट करने के लिए हम जाएंगे तो वो कह देगा कि द लेआउट पेज कैन नॉट फाइंड द सेक्शन फुटर इन द कंटेंट पेज। तो कंटेंट पेज यानी जो मेरा व्यू था उसके ऊपर ये मैंडेटरी था कि वो फुटर का कंटेंट प्रोवाइड करता, अब उसने प्रोवाइड नहीं किया इसलिए एरर आ गया। तो आप इस तरह मैंडेटरी वाला चेक लगा सकते हैं अपने कंटेंट पेज के ऊपर। मैं अगर कंटेंट वाले व्यू में आता हूँ और यहाँ चाहता हूँ कि मैं उस सेक्शन की वैल्यू प्रोवाइड करूँ, तो आपके पास इस तरह करके एक सेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। आगे सेक्शन का नाम देंगे आप, उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के अपनी एचटीएमएल देंगे। अच्छा, इसकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है क्योंकि ये एक सिंपल प्लेस होल्डर की वैल्यू है। इसका शुरू में होना या आखिर में होना ज़रूरी नहीं है, आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे सिंपल कह देता हूँ, एक स्पैन लगा देता हूँ, दिस इज़ फुटर कंटेंट। ठीक है, अब मैं जो भी चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ ये कहाँ पर जाकर प्लेस होगी, इसको मैं सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी दैट क्या मेरी उस डिव के अंदर जहाँ मैंने फुटर का सेक्शन लगाया था वहाँ वो चीज़ प्लेस हो गई है। और ये मैटर नहीं करता, इसको मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ जाके कहीं लिख दूँ, इट डज़ नॉट मैटर बिकॉज दिस इज जस्ट अ प्लेस होल्डर। हमारे पास उस तरह ही उसकी एचटीएमएल आएगी जैसे आनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जी मैं अगेन वही एग्जांपल है सेक्शन की, आप समटाइम चाहेंगे कि मेरा स्क्रिप्ट वाला पोर्शन है वो कंटेंट व्यू ने बताना है और मुझे पहले पता नहीं है, तो आप यहाँ पे भी एक अपना रेंडर सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं इस तरह करके। लेट्स सपोज का नाम कोई भी रख लें, स्क्रिप्ट कह देता हूँ और कहता हूँ ये मैंडेटरी नहीं है, प्रोवाइड कर देगा तो ठीक है, इस जगह रिप्लेस हो जाएगा, नहीं प्रोवाइड करेगा तो कोई इशू नहीं है। सो मैं इसके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ और ईजनेस के लिए मैं इन चीज़ों को ऊपर लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और इसके अंदर सिंपल अलर्ट कर देता हूँ, मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, ये मैं सिंपल सा अलर्ट प्रिंट कर देता हूँ। तो ये मेरा जो स्क्रिप्ट वाला पार्ट है ये बेसिकली वहाँ जाकर प्लेस हो जाएगा और इसमें मैं स्क्रिप्ट के टैग भी लगा लेता हूँ इस तरह करके। और पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमें शुरू में अलर्ट आना चाहिए बिकॉज आपका वो कंटेंट यहाँ पर प्लेस हुआ है। और अगेन ये सारी रिप्लेसमेंट, लेआउट को फाइंड करना, कंटेंट व्यू के कंटेंट लेआउट में डालना, सब सर्वर साइड की चीज़ें हैं। सर्वर साइड पे होके वो प्लेसमेंट होके जो एचटीएमएल बनी है वो क्लाइंट पे इस तरह करके आई है और आपको ये एचटीएमएल यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसमें जो भी आपने जैसे भी किया होगा वो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे परफॉर्म होके। सो आई होप सो कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। यू कैन क्रिएट योर ओन लेआउट हायरार्की, एक पेरेंट लेआउट बना सकते हैं आप टॉप लेवल पे, फिर एक लेआउट बना सकते हैं। और इस तरह अगर लेट्स सपोज इस लेआउट का एक चाइल्ड लेआउट होता तो मैं फुटर के सेक्शन के अंदर अपना कंटेंट देने के बाद दोबारा फिर रेंडर फुटर का फंक्शन कॉल कर देता, जो कि दोबारा रेंडर सेक्शन फंक्शन कॉल कर देता हूँ अगले कंटेंट व्यू के लिए। सो इस तरह आप हायरार्की भी क्रिएट कर सकते हैं। सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कभी जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं वो काम भी। आई होप सो कि बेसिक आइडिया हुआ होगा लेआउट का और अपना लेआउट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये भी सिंपल सा लेआउट है जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जिनको हम अगली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, लेकिन आई होप सो बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।